तो दोस्तों बेल बॉटम ट्राउज़र की हमने इसकी कटिंग तो कर ली थी, अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो हमने स्टिचिंग करने के लिए हम मशीन पे बैठ चुके हैं, हमने सेम कलर का ही इसमें धागा लगा लिया है जैसे कि हमें धागा चाहिए इसमें, क्योंकि गुलाबी कलर का धागा लगेगा तो आप इसमें गुलाबी कलर का ही धागा ले लीजिए और ये फुल गैदर वाला बनेगा, इसमें बेल्ट का कोई हिसाब नहीं है। तो अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। हम इसके आसन को यहाँ से मतलब एक एक पैर की मदद सिलाई लगा के पूरे इसको आसन को दोनों साइड के आसनों को जोड़ लेते हैं। तो अब हमने इसके आसन पे जो सिलाई लगा ली है, एक पैर की हमने सिलाई लगा ली है आसन पे, तो हमने एक पैर की सिलाई लगा ली है लेकिन इसकी और मजबूती की नहीं है, हम इसके ऊपर एक पैर की मतलब एक पैर की कोने पर कागर की सिलाई जिसको हम कहते हैं वो हम लगाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस कपड़े को अच्छे से मतलब सेट कर लेते हैं इस तरीके से, और इसकी जो कोने कोने पे ही हम सिलाई लगाएंगे बिल्कुल कोने पे, मतलब ये लाइन जो दिख रही है बिल्कुल एक पैर की नहीं, एक पैर से आगे करके हम इसकी सिलाई लगाते हैं, वो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। तो ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये आप देख सकते हो इस पर हमने कोने कोने पे सिलाई लगाई है जिससे कि इसमें और मजबूती आ जाए। आप चाहो तो इसमें एक पैर की भी लगा सकते हो लेकिन कोने की सिलाई से इसमें बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है। मैंने इसमें एंड तक पूरे कोने की सिलाई लगा ली है, पहले एक पैर की लगाई फिर एक कोने की। तो ये हमने इस तरीके से मैंने दोनों साइड लगा लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसके दोनों की साइड को जोड़ लेते हैं, फ्रंट और बैक को इस तरीके से जोड़ के एक पैर की सिलाई से इसको भी हम दोनों को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर सिलाई को पक्का करते हुए हम इसको निकाल लेंगे, और जैसे ही हमने साइड सिलाई लगाई है वैसे ही हमने दूसरी साइड भी सिलाई लगा के पूरा हमने इसको अटैच कर लिया है। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद इसमें भी हम जैसे हमने आसन में एक एक बिल्कुल कोने पे सिलाई लगाई थी, सेम प्रोसेसर इस पर भी हम इस तरीके से ही करेंगे, इस पर भी हम कोने कोने की सिलाई लगा लेंगे जिससे कि इसमें और फिनिशिंग आ जाए। पहले हम इसको इस तरीके से रखें मतलब एक पैर की मतलब पूरे लास्ट तक सिलाई लगा लेंगे। इस स्लाइड को हमने एंड तक कर लिया है, अब क्या करेंगे इसके, अब जो सिलाई मारेंगे इसके ऊपर पे, तो हम नीचे की तरफ से मारेंगे दूसरे पांचे को इस तरीके से लेके नीचे से मारेंगे ताकि हमारी सिलाई पूरी मतलब एक ही सीट में आ जाए, इधर उधर नहीं भागेगी। फिर दूसरे पांचे को इस तरीके से रखे हुए इसमें भी हम कोने पर ही सिलाई लगा देंगे जैसे कि हमने दूसरे पांचे पर लगाई थी। फिर अब हम इसको कट कर लेते हैं और नीचे से भी हम इसको कट कर लेते हैं, मैं दिखाता हूँ इसमें हमने सिलाई इसमें भी हमने वैसी लगाई है जैसे कि हमने आसन में लगाई थी, तो इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आ गई है। तो मैं इसको आपको एक बात बहुत बता देता हूँ, काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है, जैसे कि ये हमारा आसन है हमने इसको अटैच कर लिया है, तो एक पैर की मतलब हमने इसमें भी कोने पर सिलाई लगाई है, तो ये वाली सिलाई तो ये वाला कपड़ा जो है इस साइड में आना चाहिए और ये वाला कपड़ा इस साइड में, तो जिससे कि आपकी एकदम फिनिशिंग आएगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपने एक रेडीमेड पहन रखा है। तो हमने सिलाई इस तरीके से लगा ली है, अब क्या करेंगे हम इसको नीचे फोल्ड कर देंगे, जितना हमने कट लगाया था उसका अकॉर्डिंग ही हम इसको फोल्ड करके रख लेते हैं, फोल्डिंग जितना भी हमने कट लगाया। तो हमने नीचे भी इसको फोल्डिंग कर लिया है जितने भी हमें फोल्ड करना है, और इसमें फिटिंग का निशान लगा देते हो। फिटिंग का निशान तो हमने इसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं रखा था, तो इसमें ज़्यादा वो भी नहीं है, तो इसमें आप एक एक इंच छोड़ के आप इसमें फिटिंग का निशान लगा सकते हो, तो इसमें आपको दिक्कत भी नहीं पड़ेगी। नीचे मजबूती से करते हुए और एक इंच छोड़ते हुए आप इसको सिलाई को ऊपर तक ले लीजिए, पूरा राउंड घुमा के इसके फिटिंग का निशान भी लगा लेते हैं हम। घुटने से नीचे वाला हिस्सा जो है पोजिशन वो हमारा लूज रहेगा, ऊपर से अगर घुटने से ऊपर आप थाइस वगैरह चाहो तो आप फिट रह सकते हो, जितना भी आपने मेजरमेंट रखना है। मुझे ज़्यादा इसमें लूजिंग मतलब ज़्यादा फिटिंग करनी चाहिए तो इसलिए मैंने इसमें लूजिंग रखी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना है कि आपको चाहिए लूजिंग वो आप रख सकते हो। तो मैंने इसमें ज़्यादा लूजिंग रखी है और मुझे क्योंकि फिटेड नहीं चाहिए तो इसलिए मैंने इसको लूज टाइप रखा है, और इसके यहाँ से हम आसन को मिला लेंगे ताकि हमारा इधर उधर सिलाई नहीं भागे, क्योंकि बहुत जाने मतलब सिलाई वगैरह लगाते हैं तो इसका आसन जो है आगे पीछे हो जाता है जिससे कि फिनिशिंग बिगड़ जाती है। तो कभी भी अगर आप फर्स्ट टाइम सिलाई कर रहे हो तो इसका आसन की पहले आप सिलाई यहाँ से लगाइए, पहले इसके आसन को ज्वाइन करके एक साथ रख लीजिए, उसके बाद आप नीचे से सिलाई लगाओगे तो आपका आसन एकदम परफेक्ट बैठेगा। तो इसमें हमने फिटिंग का निशान भी लगा दिया है, अब क्या करेंगे लास्ट चीज़ हम इसका गैदर लगा लेते हैं। तो गैदर आपको जितना चाहिए अपनी कमर के हिसाब से ले लीजिए, मैं बताता हूँ मैंने इसमें गैदर कितना लिया है।
मैंने गैदर जितना चलता है हमारा, डेढ़ इंच चौड़ा वाला गैदर मैंने ले लिया है। मैं इसको बताता हूँ मैंने कितना लिया है। ये मैंने लिया है 23 लंबाई का गैदर लिया है, और मुझे ये 25 लंबा मतलब 25 है मेरी कमर, तो मैंने 2 इंच कम लिया है, क्योंकि गैदर हमेशा थोड़ा लूज मतलब कम ही लेना पड़ता है। अगर हम उसके अकॉर्डिंग लेंगे तो हमारा ही बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाएगा। अगर आप इसको और फिटिंग चाहते हो तो आप अपने कमर के अकॉर्डिंग रख सकते हो, तो इसलिए नॉर्मल सा है। अगर कभी भी आप गैदर लगाएं तो आप 2 इंच ही कम काटें। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं। अगर आप चाहो तो इस तरीके से लगा लीजिए, अगर आप सिंपल तरीका चाहते हो तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो मैं आपको सिंपल तरीका बता देता हूँ लगाने का। पहले यहाँ पे सिलाई को मजबूती से लगा लेंगे। हमने गैदर को मजबूत कर लिया है। अब सबसे पहले हम इसको एक पैर की सिलाई की मदद से पूरे राउंड सिलाई घुमा देते हैं। इसको हम पूरे में राउंड सिलाई लगा लेते हैं, उसके बाद हम गैदर लगाएंगे। इसमें मैंने एक एक पैर की मतलब सिलाई की मदद से इसको हल्का सा फोल्ड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें गैदर ले लेंगे जो कि हमें लगाना है। गैदर को लेके इस तरीके से इसमें डाल देंगे, और ध्यान रखें गैदर बिल्कुल गोल हो, इधर उधर ना भागे, जैसा कि हमें रखना है। ये हमारा बिल्कुल गोल है, इस तरीके से रख के इसको हम फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, जैसा कि नॉर्मल लगता है। लगा के अब हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं। और कपड़े को नहीं, हमें गैदर को खींचना है, क्योंकि गैदर को जब हम खींचेंगे तो हमारा इलास्टिक आराम से लग पाएगा। गैदर को खींचते हुए हम इसको लगा देंगे। तो हमारा गैदर लग चुका है, अब हम इसको एक बार कंप्लीट देखते हैं। बेल बॉटम ट्राउजर हमारा बिल्कुल रेडी है। ये बनने के बाद हम इसको इस तरीके से पोजीशन में ले सकते हो। तो ये घुटने से नीचे वाली जो हमारा हिस्सा है ये हमारा लूज़ रहेगा, और ऊपर वाला फिटिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ये मैंने मेजरमेंट के हिसाब से बनाया है, तो ये उनके हिसाब से बिल्कुल फिट है। लेकिन आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से बनाओगे तो और ये अच्छा लगेगा पहनने में। तो नीचे से रहेगा ये लूज़, ऊपर से आएगा ये हमारा बिल्कुल फिटिंग वाला। तो इसको आप टॉप के साथ भी पहन सकते हो, चाहो तो इसे कुर्ती वगैरह के साथ भी पहन सकते हो। तो दोस्तों आई होप आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो। इसको लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तो बाय फ्रेंड्स।